हेलो फ्रेंड्स, अर्थ ग्राउंड सिस्टम काम कैसे करता है? जैसे हमारे घर तक अर्थिंग जब हम बनाते हैं उससे एक बल्ब जला सकते हैं या कुछ लोड भी चला सकते हैं, तो वो जो अर्थ में प्लस और माइनस कहाँ से आ जाता है? जैसे पॉजिटिव कनेक्शन यानी कि फेज कनेक्शन हम घर के अंदर अटैचमेंट करते हैं, ठीक है, और दूसरा कनेक्शन हम ग्राउंड करते हैं ज़मीन में, तो वो बल्ब आखिर जलता कैसे है? उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अर्थ ग्राउंड सिस्टम वर्क कैसे करता है, अर्थ ग्राउंड सिस्टम परफेक्ट कैसे काम करता है, उसे हम दर्शाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको ये तो पता ही है कि घर की लाइट में टेस्टर ग्लो होता है, लेकिन क्या हम बैटरीज में भी टेस्टर ग्लो कर सकते हैं या नहीं? आप यहाँ पर देख सकते हैं बल्ब जो जल रहा है ये 220 वोल्टेज से जल रहा है, डीसी करंट से। जैसे कि यहाँ पर बैटरीज को मैंने सीरीज़ कर दिया है, उससे 220 से 222 वोल्टेज हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। और घर के अंदर जो टेस्टर ग्लो करता है वो एक वायर में करता है, यानी कि एक में फेज़ आता है, एक में न्यूट्रल आता है। लेकिन यहाँ पर 220 वोल्टेज होने के कारण भी यहाँ पर बिल्कुल भी हमें टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम टेस्टर ग्लो करने के लिए आपको एक चीज़ समझाने वाले हैं। यहाँ पर हम एक नमी जैसी ज़मीन लेंगे, उस ज़मीन के ऊपर हम एक अच्छा खासा सरिया दबोच लेंगे ज़मीन के अंदर। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक बैटरी का जो कनेक्शन होता है, जो माइनस कनेक्शन होता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कनेक्शन, जैसे कि माइनस कनेक्शन होता है, वो हम क्या करने वाले हैं, ग्राउंड करने वाले हैं। अब आप कहेंगे ग्राउंड करने से क्या टेस्टर ग्लो करेगा? जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपको पूरा परफेक्ट तरीके से समझाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम टेस्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, अर्थ यहाँ पर कर दिया है, जैसे कि बाहर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसी तरह हमने यहाँ पर भी ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं टेस्टर आपको दिखाता हूँ ग्लो करके। तो यहाँ पर मैंने एक वायर को ग्राउंड कर दिया जो कि माइनस को है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव कनेक्शन आ रहा है इसको हम चेक करने वाले हैं टेस्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर टेस्टर बहुत ही अच्छा ग्लो करने लग गया है, बहुत ही आप देख सकते हैं इसको टेस्टर ग्लो करने लग गया है। अगर मैं इसे हाथ भी लगाऊँ इस वायर को तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा झटका भी लग सकता है। ऐसी चीज़ें घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मीटर है ग्राउंड के अंदर में कहीं पे भी वायर अगर इसका अटैच कर दूँ, एक वायर को तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, दूसरे वायर को मैं अगर ग्राउंड में डालूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर 220 वोल्टेज हमें देखने को, 22 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, 222। तो इस तरह से वर्क करता है ग्राउंड सिस्टम। अब हम आपको यहाँ पर बल्ब वगैरह सब कुछ जला के दिखाने वाले हैं, ग्राउंड कितना मज़बूत होता है, कितना अच्छा होता है, ये आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखिए बल्ब जो जल रहा है, करीब से दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कॉपर की रॉड को डायरेक्टली ज़मीन में डालेंगे और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल ग्लो नहीं है, लेकिन क्योंकि अर्थ भी, अगर अच्छा अर्थ होगा तो बल्ब भी अच्छा वर्क करेगा, अगर अच्छा नहीं होगा अर्थ तो बल्ब भी अच्छा वर्क नहीं करेगा। क्योंकि हमने क्या किया है, नमी जैसी ज़मीन पर हमने सरिया डाल दिया है और उससे हल्का फुल्का अर्थ मिल रहा है, और उससे क्या है हमारे बल्ब्स वगैरह जल रहे हैं। तो गाइस, इस तरह से हमारे जो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसको अर्थिंग करते हैं तो वो अर्थिंग कुछ इस तरह कैसे ही वर्क करती है। एक अगर हम फेज़ वायर ले लेते हैं घर में से, और दूसरा हम ग्राउंड के अंदर अगर सरिया या कुछ भी लगा करके टेस्ट करेंगे तो हमारे घर का जो, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी से जो बल्ब है वो भी जलने लग जाता है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक को ग्राउंड किया, दूसरे वायर को बल्ब में अटैच किया, और तीसरा वायर ग्राउंड में वापस से अटैच किया, तो वो बल्ब बहुत ही अच्छे तरीके से जल सकता
है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से यूज़ बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये खतरे से खाली नहीं है। आपको न्यूट्रल और फेज़ ही यूज़ लेना है। ग्राउंड, सिर्फ ग्राउंड इसमें काम आता है कि करंट वगैरह हमें ना लगे उस जगह। अभी ये जो प्लस पकड़ के हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं, प्लस पकड़ के टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको हाथ लगाएं तो काफ़ी अच्छा खासा झटका लग सकता है, करंट आ सकता है। तो इसलिए हम प्लस से ही ये टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूखी ज़मीन है, सूखी ज़मीन पर भी लाइट जल रही है, जैसे हल्की फुल्की जल रही है, इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन सूखी ज़मीन पर भी यहाँ हमें देखने को मिल रही है लाइट। और अगर मैं गीली के ऊपर आता हूँ तो बहुत तेज़ लाइट जल रही है, और इस पर तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ जल रही है, जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली बाईपास कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी जगह पर आप ग्राउंड कर सकते हैं, मतलब ग्राउंड की कोई क्षमता नहीं होती, किसी भी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए ग्राउंड। और यहाँ पर मैं इस सरिये को बाहर निकालता हूँ, यानी मेन ग्राउंड को बाहर निकाल देता हूँ तो बल्ब बंद हो जाता है, और कहीं दूसरी जगह अटैच करता हूँ तो बल्ब फिर से जलने लग जाता है। तो ये दोस्तों, ये पानी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर क्या है, गीली ज़मीन है, गीली ज़मीन की वजह से अच्छे से यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है, अर्थिंग ग्राउंड हो रहा है। और अगर आप सूखी ज़मीन पर करेंगे तो आपको कोयला वगैरह, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड करना होगा, उसके अंदर पानी वानी डाल करके अच्छे से अर्थ बना करके ये वीडियो मुझे तैयार करना पड़ता। हमारे क्या है, थोड़ी ज़मीन यहाँ पर गीली है, इसलिए हमें काफ़ी अच्छे से मदद मिल गई है वीडियो बनाने में। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सोवर, आप समझ चुके हैं कि हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है वो इसी तरह अटैच होता है ग्राउंड से, और जो ये ग्राउंड है हमारे घर तक पहुंचता है जब हम अर्थिंग करते हैं, तभी तो इस तरह से हम जब बल्ब जलाते हैं तो वो जल जाता है। क्यों जलता है, क्योंकि वहाँ ट्रांसफार्मर के अंदर ग्राउंड होता है, इसलिए वो यहाँ पर भी कार्य करता है, मतलब बहुत दूरी तक भी कार्य कर जाता है, लगभग 100, 200 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, लगभग इतनी दूरी तक भी काम कर जाता है, बहुत दूरी तक ये काम करता है, अगर अच्छा सा परफेक्ट अर्थ हो तो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेस्टर भी ग्लो कर रहा है, ये फेज़ वायर की तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बैटरी के अंदर भी फेज़ वायर बना सकते हैं, जैसे हमारे घर में आता है। यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में नहीं आएगा, ये न्यूट्रल का काम करता है।